तालीमों पर लेते सुनते हैं ते वो सुनना ये दिला में ते ज्यादा प्रोजेक्ट कौन से काम हो जो करना लगता है सो मैं हूं द्वारा ज्यादा पर लेवेज नहीं करनी हुई मैं सोचा नहीं है कि तुसी और प्रोजेक्ट करना सारे आज से पता डॉक्टर जगबीर सिंह जी को सुनो ते है अनाम बहुत बहुत धन्यवाद कंवल जी जी पंजाबी अध्ययन स्कूल दे मुखी अजीज दोस्त सुखदेव सिंह खारा जी मेरे ग्राई मेरे वीर अमरजीत गरेवाल जी पंजाबी नावल दे विच नवीं लियां पाउण वाले समर्थ नावलकार चंदन नेगी जी सेमिनार डायरेक्टर कमलजीत जसल जी विद्वान दोस्तों ते विद्यार्थियों मैनू लगता है कि इन्नियां वधिया गल्लां सुनन तो बाद शायद हुण तुहानू मेरे कोल तुहानू दसण लई कोई बहुता कुछ नहीं वैसे भी अगे तीन सैशन होने ने मैं संखेप च ही अपनी गल्लां करांगा हुण जे प्रधानगी दे तौर ते बुला ही लिया कोई गल्लां तां करनियां बणदियां ही ने दोस्तों कारा होरां ने जदों इन्हां दो व्यक्तियों नू इंट्रोड्यूस कराया बड़ियां वधिया गल्लां कहियां अमरजीत गरेवाल बारे उन्होंने गल की ली तो हट के आलोचना करने वाले विद्वान ने ते चंदन नेगी बारे भी उन्होंने कहा कि एक नवी पिरत पाने वाले नावलकार ने मैं तो पुरानी ली तो धुरन वाला बंदा पहला मध्यकाली साहित पढ़ाता सी हुण क्लासीकल दौर वाल मुड़ गया है पर मैनूं लग्या कि अज की जिहड़ी समस्या है कि पंजाबी भाषा साहित ते सभ्याचार दा वर्तमान ते भविख ये मसला बहुत इंपॉर्टेंट है इहदे नाल वर्तमान भी जुड़िया होया ते अतीत भी जुड़िया होया अतीत तो कुछ लै के ही असी वर्तमान नू संबोधित होवांगे तां ही कुछ गल बनेगी कारण यह है कि वर्तमान समा क्राइसिस दा समा गल्लां जिहड़ियां असी सारे जाणदे हां कि ग्लोबलाइजेशन दी प्रक्रिया ने खास तौर ते इकनोमिक ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एक बड़ा ब्लैंकेट लफज हैगा एक सारे पासे पैन वाला एक तरह का तंबू है उहदे विच ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया के बहुत सारिया होर भी डायमेंशनज ने एक ग्लोबलाइजेशन ज्ञान की भी हैगी है संचार साधना ते इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जिहड़ा बेइंतहा विस्तार होया है वह तो होया ही है लेकिन उन्हां सारे विज्ञान ते टेक्नोलॉजी दे सारे वसीलियां नूं जिन्हां मल्टीनेशनल कारपोरेशन ने अपने हितां लई वरत्या उहदे नाल की कुछ होया है अमरजीत गरेवाल होरां ने बड़ी खूबसूरत गल कही ली तों हट के सोचण लई उहनां ने गल कीती कि जिहड़ी मुख गल हुंदी है ना उह भाषा दी गल हुंदी भाषा सिर्फ एक डायमेंशनल नहीं हैगी उन्होंने कहा कि उहदे च शब्द भी हुंदे ने सुर भी हुंदे ने संकेत भी हुंदे ने होर कई गल्लां हुंदियां ने जिहड़ियां कुल मिला के अर्थां दे निर्माण दे लई सभ्याचार दी उसारी लई काम करदियां ने जदों इह गल कर रहे सी ना कि डिजिटल टैक्नोलॉजी ते असीं अनपढ़ हो गए हां डिजिटल टैक्नोलॉजी पढ़ सकदे हां लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं सानूं आउंदी ते इत्थे ही साडी अनपढ़ता है ते इस दा सिट्टा की हुंदा है नुक्स इहदे च की पैंदा है कि जिहड़ा बंदा अपने वेले दी जबान नूं वरत नहीं सकदा वह मशीन बन जांदा है क्योंकि जिहड़ियां कंज्यूमर कल्चर पैदा करन वालियां शक्तियां ने वह बंदे नूं मशीन बना के खुश ने उहनां नूं कंज्यूमर सबजैक्ट चाहिदा है अपने उत्पादना नूं वरतण वाला बंदा चाहिदा उहनां नूं सही मायने च इंसान नहीं चाहिदा मैनूं अपने विरसे दी गल याद आ रही है कि गुरु नानक जदों बंदे दी परिभाषा करदे ने वह भी इस तरह की गल नूं अपने सामने रखते ने अपने वेले दे मुहावरे विच वो कहिंदे ने कि दो तरह के बंदे ने एक ना नाद ना बेद ना घी रस रस कस ना जाणंत एक ना सिद्ध ना बुद्ध ना अकल सर अखर का प्यो ना लहंत नानक ते नर असल खर जे बिनगुण गर्भ करन यानी वह भी इस क्राइसिस की गल कर रहे हैं कि जिहड़ा बंदा इस कम्यूनीकेशन टैक्नोलॉजी के उपर मुहारत हासिल नहीं करता वह तो पशु है अमरजीत गरेवाल कहिंदे ने कि अज की जिहड़ी विकसित
संचार टेक्नोलॉजी है वो साढ़े आल दुआले इन्नी फैली हुई है कि उन्हें सानू मशीन बनाता है। गल इको ही है, पशु भी मशीन वर्गा ही काम होंदा है क्योंकि पशु अपनियां मूल प्रवृत्तियां का गुलाम होंदा है। मशीन की है, मशीन प्रडिक्ट किया जा सकता, मशीन असी वरतते हैं, पशु भी वरत लें, डोमेस्टिकेट कर लें। इहदा मतलब विचकार जिहड़ा मशीन ते पशु के विचकार जिहड़ी मनुखी होंद है उसका निर्माण किवें होंदा है, मसला यह है। अमरजीत गरेवाल होर ने जिहड़ी गल की है वो उसका यही है, वह भविखमुखी दिशा है कि जिहड़ा अज जिहड़ा ज्ञान इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाल सिरजन दे समर्थ असीं हो सके हैं उन्हों असीं वरतना भी सीखी, उन्हों वरत के ही असीं अज दे जिहड़े चैलेंजेस ने उन्हां दा मुकाबला कर सकते हैं ते अपने साहित नूं सभ्याचार नूं सही दिशा वल ले जा सकते हैं। ये गल मैनूं बहुत चंगी लगी। और सानूं उन्होंने कहा कि अनपढ़ता भी कई तरह की होंदी है, एक तो होंदा ना कि सानूं अक्षर ज्ञान नहीं है, वो तो सब तो निखिद्ध अनपढ़ता है। अक्षर ज्ञान हो भी गया, जिहड़ा विकसित ज्ञान है, जिहड़ी टेक्नोलॉजी कंप्यूटर सानूं दे रहा इन इन्नियां संभावनावां समेत साढ़े सामने सानूं प्राप्त है, जे उहदा ज्ञान भी नहीं असीं हासिल करदे तो फिर भी असीं निरक्षर ही हैं, साखर नहीं है। तो ये मैनूं लगता है कि पर शायद मेरी पीढ़ी के बंदे ते ज़्यादा लागू होंदी है, असीं ज़्यादा वो अनपढ़ हाँ। नवीं पीढ़ी तो कंप्यूटर नूं और सारी टेक्नोलॉजी नूं जानदी है, उन्हां जवानां नूं भी जानदी है जिहड़ियां नवीं विकसित हो रही ने। तो मैनूं लगता भी मेरे वर्गी पीढ़ी के बंदियां नूं अपनी नौजवान पीढ़ी तो उवें सीखना चाहिए जिवें कंप्यूटर मैं अपने पोतरे कोलों सीख्या सी। तो ये गल तो हुई, मसला हुण ये है कि जिहड़ा लिटरेचर अज जिंदगी दे उस अनुभव नूं वख-वख साहित्यक विधावां दे रूप विच पेश कर रहा है, उन्हां दे सामने जिहड़े चैलेंजेस अज कल्चरल इंपीरियलिज्म जिहड़ा अज पैदा हो रहा है कि सारी दुनिया नूं इक्को तरह की रीत विच बन के उन्हां दीआं जिहड़ियां वख्खरियां पछाणां ने उन्हां नूं मिटा के एक लीह तक तोरन की जिहड़ी गल हो रही है उहदा मुकाबला असीं किवें करिए। मैनूं उहदा लग्गिआ कि उहदे वास्ते सानूं अपने अतीत वल झाकणा पवेगा। सब तो इमीजिएट अतीत साडा मध्यकाल है, मध्यकाल दे विच जिहड़ा लिटरेचर साढ़े गुरु साहबान ने, भगतों ने, सूफिया ने, किस्साकारा ने रचया, उहदे वलों असीं अवेसले हाँ। ये नहीं कि उहदे बारे असीं रिसर्च नहीं करते, मैनूं लगता है कि उहदे बारे असीं सही दृष्टिकोण नहीं अपना रहे। जिस नवें ज्ञान दे नाल असीं अज अपने आप नूं भर रहे हैं वह कोई माड़ा ज्ञान नहीं हैगा। विज्ञान ते टैक्नोलॉजी ने साडी दृष्टि नूं बहुत विशाल कीता है, सानूं ज्ञान दा एक नवा मुहावरा दिता है, एक सानूं देखण दी जाच दिती है, उस नूं वरतण दी लोड़ है। उस नूं वरतण दे लई सानूं अपनियां जिहड़ियां अपने जिहड़े सभ्याचार दे मध्यकाली ते उस तों पिछे जिहड़े क्लासिकल पाठ ने उहनां दी प्रसंग अनुसार नवीं व्याख्या की लोड़ है। मध्यकाल का सारा साहित एज इट इज साढ़े काम नहीं आता, क्योंकि वह मुहावरा 500 साल, 700 साल, 1000 साल पुराना है। क्लासीकल लिटरेचर का इस तो भी पुराना है। उहदे विच साड़ी पछाण दे, साड़ी जीवन जाच दे, साड़ी कुल दृष्टि दे जिहड़े ने वह भेत छुपे हुए हैं। मसला यह है कि असी जिहड़ा मशीन बनन तों ते पशु बनन तों किवें अपने आप नूं रोक सकते हैं, अपनी कल्चर नूं बचा सकते हैं, वो है कि साड़ी जिहड़ी इंडस सिविलाइजेशन एक बहुत वड्डी सभ्यता है। अज मुसीबत यह है कि इन्ना कम्यूनलाइजेशन दे असीं शिकार हो गए हैं कि असीं जे इंडियन लफ्ज़ वरतदे हैं ना असीं कहना भी तां साड़ी जिहड़ी धर्म निरपेक्ष सोच नूं सट वजेगी। बदकिस्मती नूं कुछ पोलिटिकल पार्टियां ने इंडियन लफ्ज़ नूं वरतना शुरू किया, असीं कहा भी नहीं नहीं ये तो उन्हां दा, असीं जो जिहड़ा बंदा भारती की गल करता वो कहिंदा भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। गल तां यह है कि इस इंडिक सिविलाइजेशन की जिहड़ी ज्ञान परंपरा है, जिहड़ी ज्ञान की विरासत है, वो सारे वारस हाँ असीं, असीं नहीं है गए। पंजाब की धरती के उपर तो वह ज्ञान सिरजिया गया है, तो उस नूं वरतन दे लई सानूं शर्म क्यों आती है? इस पहला अपने आप नूं डीकम्यूनलाइज करन दी लोड़ है।
अज जिहड़ा बंदा जिहड़ा है उहदे कोल दुनिया भर का ज्ञान अज कंप्यूटर के उपर तुहानूं मिलदा है। तुसीं सर्च विच पा के देखो जिन्हें उपनिषद ने जिन्हें दर्शन शास्त्र ने जिन्हें धार्मिक परंपरावां ने सारिआं दा विस्तृत तौर पर ज्ञान तुहानूं मिलदा भावें अधे अधूरे रूप में ही होवे। मसला यह है कि उस ज्ञान के प्रति साडा एटीट्यूड की होना चाहिए, वो होना चाहिए अंडरसटैंडिंग वाला, तो उस अंडरसटैंड उन्हूं अंडरसटैंड करके असी अपनी जड़ां दे नाल जुड़ के जदों असी पोस्ट मॉडर्न दौर दीआं जिहड़ीआं चुनौतियां ने उन्हां दे सामने होवांगे फिर सानू अपनी थां भी लभेगी, अपनी जिंदगी का मकसद भी लभेगा, तो मशीन बनन तो पशु बनन तो असी अपने आप नूं रोक भी सकांगे। मैनूं लगता है कि ये बहुत सारे बहुत वड्डे मसले ने और साडे विद्वान इन्ने समर्थावान ने भाषा विज्ञान के रूप के और साहित्य अध्ययन के खेत्र और कल्चरल स्टडी के नाल संबंधित जिहड़े पंजाबी दे विद्वान ने उन्हां दे उपर मैनूं बहुत तसली महसूस हुंदी है। एक बार गल हो रही थी कि कई बार हुंदा है कि अंग्रेजी वाले अगर गल करते ने वो कई बार सानू प्रभावित सिर्फ अपनी भाषा नाल ही कर जाते हैं। सानू लगता भी अंग्रेजी वालों को शायद कोई बहुत वड्डियां गल्लां ने, जे उन्होंने कहा जाए भी जरा तुसीं जिहड़ी अंग्रेजी च गल बोली है पंजाबी च जरा सुनाओ, वो सानू लगता साडे नालों भी सधारण गल्लां करते होंगे। मैं किसी दा नाम नहीं लेना चाहुंदा, कई बार सैमीनार जाने हैं कि वो ए वड्डियां वड्डियां टर्म्स लैके सानू कई बार लगता भी ये तो बहुत वड्डे ज्ञाता ने, पर दोस्तों पंजाबी दे विद्वान भी घट नहीं है। पंजाबी दे विद्वाना ने उस ज्ञान नू अपनी भाषा में सीखिया तो वो समझा रहे हैं कि समर्थ ने। लोड़ इस गल दी है कि असी जो अज हाँ पहला तो वो बारे ठीक ठीक असी समझिए कित्थे साड़ी समझ विच खप्पे ने, कित्थे साड़ियां कमियां ने, उन्हां नू पहचानिए ते फिर अज दे जिहड़े चैलेंजेस ने उन्हां नू मीट करिए। तो मैं लगता है यही इस अज की कॉन्फ्रेंस का एक मकसद है। तो मैं तुहानू सारयां नू इस गल की मुबारकबाद दिना कि तुसीं इस कॉन्फ्रेंस दे विच आए हो और इन्हां विद्वानां नू दो विद्वानां नू सुणिया, बल्कि तीन कह लो इन्हां नू सुणिया है, उन्होंने आपो अपने ढंग नाल सानू एक दिशा दित्ती है। चंदन नेगी कोलों तां सोच रहे सी ना भी शायद अपने नावल की प्रक्रिया बारे दसणगे, पर इन्होंने बड़ी कमाल की गल की है। इन्होंने पंजाबी की निशानदेही जी है ना वो काबल तो लैके दिल्ली तक की है। यानी तुम देखो कि जोड़ा सा पुराना प्राचीन आर्यव्रत का इतिहास है ना वो काबल नदी तो सरस्वती तक है। काबल कुबा न जी उन्होंने नदी कहने से कुबा, तो कुबा नदी तो लैके सरस्वती नदी जी अलोप हो गई है उतों तक का पूरा जोड़ा खेत्र है ये पंजाबी का सभ्याचार का भाषा का एक पुराना खेत्र है। क्योंकि जो अफगानिस्तान की गल चल रही थी ना तुसी ऋग्वेद पढ़ो तो सोम रस की महिमा दे विच पूरे सूक्त लिखे गए हैं, तो सोम रस की बूटी अफगानिस्तान के मौजवान पर्वत पर पैदा होती। तो मतलब कहण दा है कि कल्चर जिहड़ा साडा खेत्र है उहदे बारे साडी समझ होनी चाहिए है कि असी जिस वड्डी सभ्यता के वारस हाँ उस सभ्यता दीआं जिहड़ीआं कुछ प्राप्तियां ने उहनां नूं समझिए, उहदीआं कई खराबियां भी हैगीआं ने। यानी ये नहीं है कि साडीआं सारे पुरखां ने जिहड़ीआं सारीआं गल्लां सानूं दित्तीआं ने उह सारीआं असीं इन विल असीं एक्सैप्ट कर सकते हैं। उहनां दे विच जाति प्रथा भी हैगी, कर्मकांड भी हैगा, तो कमाल की गल है कि उहनूं काउंटर करन दे लई भी साडीआं ज्ञान परंपरावां पैदा होईआं ने। अगर ब्राह्मणवाद पैदा होया तो बुद्धिज़म भी नाल ही पैदा होया और फिर वो कंटीन्यूटी सिखिज़म है। मैं लगता कि जो इंडिक सिविलाइजेशन दे विच सिख थॉट जड़ा है वो उस सनातन ज्ञान की सनातन परंपरा दे विच एक मोस्ट मॉडर्न धारा है। तो ये सानू अगर एड्डा वड्डा विरसा प्राप्त है यही साढ़े भविख नू निश्चित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान के शब्दों के भोजन तो बाद कोई गुंजाइश नहीं होती कि कोई